तो आप देख सकते हो यहाँ पे लड्डू की करेट रखी है, ये फ्रेश लड्डू है, ताजे लड्डू एकदम। ये क्या लगा रहे हो भैया लड्डू पे? तो आप देखते हो लड्डू के ऊपर चांदी का वर्क लगाया जा रहा है। आप लड्डू की क्वालिटी देखिए, A1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फेमस बर्फी, केसरिया बर्फी रखी है कानपुर में बनारसी मिष्ठान भंडार वालों की। इसमें केसर देखिए, पिस्ता देखिए, कितना सारा लगा हुआ है। ये केसरिया बर्फी है, बहुत बढ़िया बर्फी है। ये मलाई आप सबने खाई होगी, पर आपने मलाई गलोड़ी की बर्फी नहीं खाई होगी। आप देख सकते हो यहाँ पे मलाई गलोड़ी की बर्फी रखी है, इसमें चांदी का वर्क देखिए, कितना सारा लगा हुआ है, कितनी बढ़िया लग रही है मलाई गलोड़ी की बर्फी है। ये बिल्कुल फ्रेश लड्डू है, कलर देखिए, कलर कितना बढ़िया लग रहा है, इतना टेंटरिंग और काफी अमेजिंग लुक है लड्डू का। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सरजसोगी एंड आई एम द फाउंडर ऑफ फूडी मूडी 1999 ऑफिशियल फूड अकॉर्डिंग मूड। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो यार आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम पे काफी रेगुलर रहता हूँ, जो कि फूड लवर्स हैं ये चैनल उनके लिए, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। कानपुर में अच्छे खाने की तलाश में हम जा पहुंचे हैं बिराना रोड। जैसे कि आप देख सकते हो जो सामने रोड है, ये बिराना रोड है कानपुर की। ये बहुत ही फेमस इलाका है कानपुर का बिराना रोड। ये जो सराफा बाजार का इलाका है एक तरीके से, यहाँ पे खाने की काफी अच्छी अच्छी चीजें मिलती है। बनारसी मिष्ठान भंडार, मैं आपको बता दूं, अगर आप कभी लड्डू के दीवाने हो और कानपुर आए हो तो बिराना रोड ज़रूर आइएगा, कानपुर की बिराना रोड ज़रूर आइएगा और वहाँ पे बनारसी मिष्ठान वालों के यहाँ लड्डू ज़रूर खाइएगा, इनके लड्डू काफ़ी फेमस हैं कानपुर में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बनारसी मिष्ठान के यहाँ के फेमस लड्डू रखे हैं। ये वही लड्डू हैं जिनके लिए मैं यहाँ पे आया था। तो आप देख सकते हो भैया कौन से लड्डू रखे हैं यहाँ पे? मोतीचूर के लड्डू हैं, मोटी। आप देख सकते हो ये मोतीचूर के बनारसी लड्डू रखे हैं, ये बहुत ही फेमस लड्डू हैं कानपुर में। अगर आप कभी कानपुर आते हो, बिराना रोड आते हो, तो बनारसी मिष्ठान के ये लड्डू बनारसी वाले ज़रूर खाइएगा, ये बहुत ही फेमस लड्डू हैं। भैया इस लड्डू का कुछ बताइए आप, ये लड्डू आपके किससे बनाते हो, आप किस चीज़ से बनाते हो? बेसन से है। बेसन से बनाया जाता है लड्डू ये? तो आप देख सकते हो यार ये लड्डू जो है बेसन से बनाया जाता है और ये बहुत ही फेमस लड्डू है यहाँ पे कानपुर में। कानपुर ये बहुत ही फेमस एक तरीके की ब्रांड समझ लीजिए। कभी आप कानपुर का टूर करते हो तो बनारसी मिष्ठान का बनारसी बेस लड्डू ज़रूर खाइएगा। इनकी स्पेशलिटी क्या है कि इनकी जो बूंदी है काफ़ी लाइट और काफ़ी हल्की बूंदी है। आप देख सकते हो कि काफ़ी लाइट बूंदी है। कौन सी बूंदी? महीन बूंदी। आप देख सकते हो ये इनकी ना बहुत ही महीन बूंदी है, ऐसी बूंदी आपको कहीं नहीं मिलेगी पूरे वर्ल्ड में, आपको ऐसी बूंदी कहीं नहीं मिलेगी। आप ये देखिए, ये आप देख सकते हो कि कितना लड्डू कितना लाइट है और अधिक सी बूंदी देखिए, ऐसी महीन बूंदी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस बात से सोचिए लड्डू खाने में कितना बढ़िया होगा, देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, खाने का भी किसी का मन कर जाए। आप देख सकते हो कितना बड़े लग रहा है। ये बॉक्स है, अभी तो इनके बॉक्स रखे हैं यहाँ पे बनारसी मिष्ठान भंडार। ये बहुत ही फेमस लड्डू हैं यहाँ पे। तो यार आप देख सकते हो ये केसरिया बर्फी है बनारसी मिष्ठान भंडार कानपुर की, ये बहुत ही फेमस बर्फी है। भैया इस बर्फी के बारे में बताइए, किसी की किस चीज़ से बनती है? बनती है खोए से बनाई जाती है। तो आपको बता दूं यार, ये खोए से बनाई जाती है और उसका नाम बताइए भैया। केसरिया बर्फी। तो आप देखो ये केसरिया बर्फी, आप देखो ये बनारसी केसरिया बर्फी है, कितनी बढ़िया बर्फी लग रही है। आप देख सकते हो ये इसका कलर देखिए, कितना जो इसका कलर है और उसके जो पिस्ते पड़े हैं कितने बढ़िया तरीके से एकदम पूरे सेट हो चुके हैं। आप ये देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हो कि किसी का भी खाने का मन कर जाए, कितनी बढ़िया लग रही है ये। भैया ये जो ये कितने किलो रखती है यहाँ पे? 4 किलो रखती है। 4 किलो की कितने देर में बनके तैयार हो जाती है? कितनी देर में बनके तैयार होती है ये? ये रात में बनेगी तो सुबह तैयार होगी। तो आप देख सकते हो यार ये रात में बनती है, सुबह बनके तैयार हो जाती है। ये बहुत ही बड़ी बर्फी है, इनके लड्डू तो फेमस है ही हैं बनारसी वालों के कानपुर में, और इनकी ये बर्फी भी फेमस है। आप देख सकते हो, आइए अब और लोगों से पूछते हैं कि वो बनारसी मिष्ठान के लड्डू कितने टाइम से खा रहे हैं और उनको लड्डू में ऐसा क्या बड़ा लगता है कि वो इतने टाइम से आ रहे हैं। भैया अपना नाम बताइए। पंकज जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप आज क्या लेना है आपको? मैं यहाँ तो भैया को लेने आता है, बड़ा कंटिन्यू लाता हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपको यहाँ का सबसे बढ़िया लगता है लड्डू? लड्डू लड्डू देखिए, मेवा लड्डू काफ़ी फेमस है। अच्छा, काफ़ी फेमस है जी। तो उसमें ऐसा क्या है कि लड्डू वैरायटी कानपुर बेस्ट बेस्ट है? तो कोई एक बात जो आपको पर्सनली बहुत बड़ी लगती है इनके लड्डू में, जो आप बार बार आपको यहाँ लाती है? खाने काफ़ी सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होता है,
आइए आप लोगों से पूछते हैं कि वो बनारसी मिष्ठान के यहाँ कितने टाइम से आ रहे हैं, उन्हें लड्डू में ऐसा क्या पड़ता है, आप अपना नाम बताइए। हम तो रहते तो हम यहीं पर ही हैं। अच्छा, हम जो है बराबर हमारे लेते जा रहे हैं, हमारे हस्बैंड भी थे तो भी है ना, उनकी मिठाई यहीं से जाती थी। तो आप ही बताइए यहाँ का सबसे बढ़िया लगता है, मतलब सबसे बढ़िया मिठाई कौन सी लगती है? वैसे तो सभी मिठाई अच्छी लगती है, लेकिन अब इस समय जो हम लेकर के जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं लेकर के, अच्छा, तो उनको जो ना लड्डू ज़्यादा पसंद है। अच्छा, अच्छा। यहाँ के लड्डू, यहाँ के लड्डू बहुत ही फेमस है तरीके से। हाँ, ये लड्डू तो बहुत फेमस है, हर जगह जाता है ये। अच्छा, तो आपको इनके लड्डू में सबसे बढ़िया क्या लगता है, कि इनका लड्डू हल्का रहता है या फिर बूंदी अच्छी है, इनकी क्या बढ़िया है? इनकी जो है ना वो सॉफ्ट वगैरह वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये सॉफ्टनेस काफ़ी जायकेदार है, इनके लड्डू काफ़ी जायकेदार है। हाँ, आप जायके बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो आप ये केसर बट्टी है, काजू कमल है, ये काजू कमल है। तो आप देखो इनका काजू कमल है, ये बहुत ही बड़े लग रहा है, ये इसमें कलर देखिए कितना बड़ा आ रहा है, ये कौन सा ये क्या चीज़ है? खीर केसर बट्टी है, खोए की होती है। तो आप देखो इनकी केसर बट्टी है, ये भी बहुत ही बढ़िया है, अगर आप कभी आते हो जरूर आइएगा। ये कौन सी बर्फी भैया आपकी है? ये खीर कदम है। क्या भैया? शीर कदम। शीर कदम, तो आप देखते हो शीर कदम इसे दिखाइए भैया, काफ़ी फेमस है। भैया क्या चीज़ है? मलाई ग्लोरी है। मलाई ग्लोरी है, तो यार आपको दे सकते हो कि ये मलाई ग्लोरी है बनारसी मिष्ठान भंडार की। आप पूछते हैं मलाई ग्लोरी, तो लड्डू तो फेमस है ही, मैं आपको बता दिया। पूछते हैं कि मलाई ग्लोरी में ऐसा क्या है, क्या चीज़ है मलाई ग्लोरी जो वो बहुत ही फेमस है। अब मैं आपसे पूछ रहा, आप अपनी मलाई ग्लोरी के बारे में बताइए कि आपकी जो मलाई ग्लोरी है ये क्या चीज़ है? मतलब ये मलाई की बनती है, इसमें मलाई तो ऊपर होता है, कवर होता है, बाकी इसके अंदर खोया और काजू भरा जाता है। अच्छा, तो ये आप ही लोग बनाते हैं, मतलब आपकी स्पेशलिटी एक तरीके से? अब स्पेशलिटी क्या, हमारे यहाँ की एकदम ताज़ी सवेरे बनती है, दिन में एक लिमिटेड क्वांटिटी में बनती है। यार मैं आपको बता दूँ, इनकी जो ग्लोरी है ये लिमिटेड बनाते हैं, क्योंकि इनकी बहुत स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो आप इनकी जो ग्लोरी है ये आप स्पेसिफिक ही बनाते हो, मतलब लिमिटेड? लिमिटेड इसीलिए बनाते हैं ताकि इसकी सेल्फ लाइफ जो है वो 24 घंटे की। अच्छा अच्छा। तो किसी अभी कस्टमर को ख़राब चीज़ ना जाए, इसलिए हम लोग इसको लिमिटेड बनाते हैं। तो यार इनकी मलाई ग्लोरी भी आप ज़रूर खाइएगा, वो भी बहुत ही बढ़िया है। आइए अब पूछते हैं बनारसी मिष्ठान वालों के ओनर से कि बनारसी मिष्ठान की जो शॉप है उनके लड्डू में ऐसा क्या प्यार डालते हैं कि लोगों को इतना पसंद आता है इनका लड्डू, और इनके लड्डू में ऐसा क्या है कि सभी यहाँ के लड्डू की बहुत तारीफ करते हैं, उनका लड्डू बहुत ही बढ़िया सच में। पूछते हैं ओनर से, आप अपना नाम बताइए। अजीत कुमार पाठक। ठीक है अजीत जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा आप कि जो शॉप है बनारसी मिष्ठान भंडार कितने टाइम से है? ये 70 वर्ष पुरानी दुकान है। 70 वर्ष पुरानी दुकान है, तो आप देख सकते हो यार 70 वर्ष से लोगों की सेवा करने इतना बढ़िया लड्डू बना के। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा आप कितने तरह के लड्डू बनाते हैं? यहाँ हमारे यहाँ ये मेन फेमस लड्डू जो है बूंदी का है, बाकी तो और भी लड्डू बनते हैं। अच्छा अच्छा, फेमस है। तो आपने बूंदी के लड्डू के बारे में? प्रसिद्ध है। अच्छा, कुछ लोग बनारसी नाम से कहते हैं। अच्छा, हमारा तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा अपने मोतीचूर बनारसी लड्डू के बारे में बताइए कि बनारसी का जो लड्डू है इसका नाम बनारसी कैसे पड़ा? अब ये तो बनारसी मिष्ठान भंडार नाम है, तो लोग बनारसी अपना इसे हम लोग मोतीचूर भी लड्डू कहते हैं कुछ लोग। अच्छा अच्छा, तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपको जो बनारसी मिष्ठान भंडार है ये जो आपको लड्डू है मोतीचूर का लड्डू है, तो ये बेसिकली कितनी देर में बनकर तैयार हो जाता है? ये हमारा प्रोसीजर होता है, पहले बेसन आता है, बेसन से बूंदी बनता है, बूंदी से फिर अपना चाशनी में जाता है। अच्छा अच्छा, मतलब बूंदी से तैयार करने में आपको पूरा 2 घंटे लगता है। कहाँ का जाता है आपका लड्डू? हमारा कानपुर में 4 आउटलेट हैं, बाकी तो वर्ल्ड में भी जाता है, ऑल ओवर इंडिया हमारा वर्ल्ड में भी जाता है। तो यार आप देख सकते हो कि बनारसी मिष्ठान के यहाँ कानपुर ही कानपुर में 4 आउटलेट हैं, इस बात से सोचिए लड्डू कितना फेमस होगा, और इनका लड्डू इंडिया में तो जाता है, इंडिया के बाहर भी जाता है, इस बात से सोचिए लड्डू कितना बढ़िया होगा। मुझे बताइए कि आपके 4 आउटलेट हैं कानपुर में, तो वो कहाँ कहाँ हैं? हमारा एक किदवई नगर में है, किदवई नगर में, एक काकादेव में है, एक अशोक नगर में, एक लाल बंगले में है। तो यार आपको मैंने बताया कि भैया ने बताया कि इनके 4 आउटलेट हैं कानपुर में, तो आप कभी कानपुर आते हो तो बनारसी मिष्ठान की शॉप पे जरूर विजिट करिएगा और इनका लड्डू जरूर खाइएगा, इनका लड्डू बहुत ही फेमस है। तो यार आप देख सकते हो कि हमारे पास लड्डू आ गया बनारसी मिष्ठान भंडार का, अब मैं इसे टेस्टिंग करता हूँ, आपको बताता हूँ कि लड्डू में ऐसा क्या बढ़िया है जो लोगों को बहुत पसंद आता है। मैं इसकी टेस्टिंग करता हूँ, आपको बताता हूँ कि लड्डू कैसा है। तो यार आप ये देख सकते हो कि इनका जो लड्डू है ये कितना लाइट है, आप ये देखिए कितना स्पॉन्ज है, इस बात से सोचिए कि लड्डू कितना फ्रेश है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। और मैं आपको बता दूँ इसकी जो बूंदी है ये इनकी काफ़ी लाइट बूंदी है, ये बूंदी इनकी बहुत ही फेमस है, आप देख सकते हो कितना बड़ा लड्डू है ये, इस पर चांदी का वर्क कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए इसकी प्रेजेंटेशन स्किल कितनी बढ़िया है, एकदम क्वालिटी A1 इसकी। और मैं इसकी टेस्टिंग करता हूँ, आपको बताता हूँ कैसा है ये जो लड्डू है, इसमें मीठा बिल्कुल एक्यूरेट पड़ा हुआ है, और इसमें जितनी भी ये जो आपकी बूंदी है एकदम फ्रेश बूंदी और एकदम लाइट बूंदी है, जिसे कहते हैं एकदम बिल्कुल हल्का लड्डू,
ना ज़्यादा घी ना ज़्यादा कम घी, एक्यूरेट मीठा है। तो यार आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि आप चाहते हो मैं उन्हें आगे कवर करूँ। तो जब तक के लिए यार स्टे हैप्पी एंड की स्माइलिंग।